بسم الله الرحمن الرحیم تعمیر شخصیت میں آج ہمارا ٹاپک چلے گا مینجمنٹ سکلز کہ آپ میں کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے آپ کہیں گے کہ جناب پچھلے لیکچر میں تو آپ نے وہ بات کی تھی لیڈرشپ کی اور اس میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں آپ نے فرق بتایا تھا تو اب آگے کیا معاملہ تو اس میں مینجمنٹ का क्या है। अब जाहिर है कि प्रैक्टिकली होता यही है कि आप भी मैनेजर बनते हैं, आप चाहे अपनी फर्म या कंपनी बना दें या आप अपनी कोई एक बाकायदा एक अपनी टीम बना लें, तो तब भी आपको मैनेज तो करना पड़ता है ना, तो इसलिए वो सलाहियतें भी आपको डेवलप करने की जरूरत होती है, खा आप लीडर हो। एक बार याद होगा आपको कि हमने बिल्कुल शुरू से ही ये एक रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमने शख्सियत के ये सारे पहलुओं को डेवलप करना। अब जाहिर है कि वो करना आपने, मैं तो सिर्फ सजेशंस ही अर्ज कर सकता हूँ आपके पास, आपको जो चीज़ दुरुस्त लगे तो उस तरह से आप भी अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हमारा मेथडोलॉजी वही है कि स्टार्ट हम ब्रेनस्टॉर्मिंग से करते हैं ताकि आपके जहन में सवालात खुद आपके जहन में पैदा हों, वो आइडियाज़ हों, तो तभी आपका इंटरेस्ट होगा ना ये लेक्चर सुनने का। पहला सवाल ये कि वही जो पहले अब से दो लेक्चर्स पहले लीडरशिप और मैनेजमेंट में फ़र्क की बात की थी, तो ये क्या फ़र्क है आपको याद है इस वक्त? दूसरा सवाल है कि आप कि कौन सी टीम है जिसमें आप काम कर रहे हैं और आपकी हैसियत क्या है, ये जरा सोचिए। आप हो सकता है किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो या इन मुमकिन है आप किसी और गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हो, या हो सकता है कि आपने अपनी एक टीम तैयार कर ली है तो उसमें आप कुछ कर रहे हैं ना, तो आपकी क्या हैसियत है उसमें, ये आप जरा सोचिए। तीसरा सवाल है कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, यानी किस किस्म का स्टाइल, कैसे आप अपनी टीम को आप चलाते हैं, कि क्या वो हिटलर के स्टाइल का है या बादशाह का है या अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का जो तरीका है, जो भी आप अब तक पढ़ चुके होंगे कुरान मजीद में अहदीस में, तो भी आपकी स्टाइल जो है मैनेजमेंट स्टाइल क्या उससे कुछ मिलता जुलता है या हिटलर की तरह है। चौथा सवाल, आप अपने घर कंपनी या इदारे के मैनेजर होंगे या हो जाएंगे कुछ अरसे में, अगर आप अभी बिल्कुल नौजवान हैं तो कुछ अरसे में हो जाएंगे आप, तो इसके लिए आपका अपना प्लान क्या है, यानी जाहिर है कि अभी अगर आपने अभी शादी नहीं की तो कुछ अरसे में आपकी शादी इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं भी दुआ करता हूँ आपके लिए। तो आप फिर उस घर के एक पूरा एक इंस्टीट्यूट बन जाता है और उसके हेड आप होंगे, या आपने एक कंपनी में या किसी और इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन किया है तो आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होते आप मैनेजर बनेंगे, तो आप ज़रा सोचें कि इसके लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है कि यार मैं मैनेजर बनूंगा या हूं अभी तो मैं ऐसे करता हूं, ये ज़रा सोचिए। पांचवा सवाल ये है कि अब तक आपने जब लोगों के साथ काम किया है तो अब तक आपने क्या गलतियाँ की हैं जिससे आपको नुकसान हुए हैं। आप बेशक मेरे लेक्चर को यहाँ पे रोक दीजिए और अपनी एक अब तक जितनी मेमोरी में आप क्या है वो ज़रा सोच लीजिए कि क्या गलतियाँ एक मैनेजर के तौर पे आपकी गलतियाँ हुई थी तो जिसमें आपके नुकसानात हुए थे, वो एक लिस्ट एक बना लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं, आपको दो तीन चार मिनट में ही आप अपनी ये पूरी लिस्ट आप बना लेंगे और ऊपर इसी तरह ये जो प्लान है आपका उसके लिहाज से भी आप वो कर लेंगे, तो अब ये अब कर लीजिए फिर आगे आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। आइए जनाब अब हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट है क्या। गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, सिंपल मैनेजमेंट या मैनेजर कौन होते हैं कि जो दूसरों से कुछ काम करवाते हैं। हो सकता आप अपने घर में आप कुछ अपने कोई इलेक्ट्रिशियन को आप बुला लेते हैं और उनसे आप कोई काम करवा लेते हैं तो अब आप मैनेजर हो गए उसके, क्योंकि आपने उनसे प्रैक्टिकली करवाना,
दूसरी ये आप कह लीजिए कि एफिशिएंसी, गेटिंग वर्क डन विथ अ मिनिमम ऑफ एफर्ट, वेस्ट और एक्सपेंसेस। यानी आप जब मैनेजर बनते हैं तो आपको जहन में पहला आइडिया ये होता है कि मेहनत कम करनी पड़े, पैसे भी कम करने पड़े और जो कुछ चीजें भी आप इस्तेमाल करेंगे वो भी ज्यादा ना करें, कम से लेके हम अपना मकसद हासिल कर लें, तब आप मैनेजर बनेंगे। वरना अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर तो होगा कि पता नहीं कितना लंबा टाइम लगता जाएगा और ये भी होगा कि आपके खर्चे जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे ना ज्यादा। तो ये एक इशू है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि आपने ऐसी सलाहियतों के काम करवा भी लें। एकम्प्लिशिंग टास्क दैट हेल्प फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कोई कंपनी भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, आपकी टीम भी हो सकती है जो आप बना चुके हैं, ये सारे को आप ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। तो आप लोगों से जब काम कराएं तो इनसे ऐसे तरीके से करवा दें, ऐसे अच्छे एटीट्यूड से करवा दें कि अगले भी खुश हो जाएं और आपका काम भी कर दें और आपका काम भी हो जाए। तो ये सारी सलाहियतें हों तो आप मैनेजमेंट बनते हैं। अब आपके लिए ये मैं अर्ज करता हूँ, हेनरी एक बड़े स्कॉलर है 1900 के ज़माने के, अब से 120 साल पुराने एक बुजुर्ग है, तो उन्होंने उस वक्त मैनेजमेंट पे बुक लिखी थी। तो वो फरमाते हैं, द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज जनरली डिपेंड्स मच मोर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी of its leaders than one their technical ability। इन्हें वो क्या फरमाते हैं कि भी आप में ऐसी सलाहियत होनी चाहिए, कुछ लीडरशिप की भी कुछ सलाहियतें होनी चाहिए और टेक्निकली काम में करना क्या है ये भी आपको पता हो तो तब फिर आप मैनेजर बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी यही सारी आप में सलाहियतें हैं तो फिर आप मैनेजर बनेंगे, अदरवाइज बनेंगे भी तो नाकाम होंगे। तो ये अब आपने अपना एनालिसिस खुद करना। आइए जम आगे वही पुरानी बात जो दो लेक्चर्स पहले हमारी बात हुई थी, लीडरशिप और मैनेजमेंट में फर्क क्या है। तो याद होगा कि लीडरशिप वो होते हैं कि जो इनोवेशन का एक आइडिया होता है जिनके जहन में, और डोंट लाइक स्टेटस को कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उस पे वो सेटिस्फाई नहीं होते, चाहते इससे बेहतर हालत हो रही हो। और फिर कंपोनेंट्स भी, उनमें सलाहियतें भी हों, उसके बाद फिर वो प्लानिंग भी करते हैं, बजटिंग भी कर लेते हैं कि अच्छा ये इस पे ये खर्चा मैं ऐसे 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 ये कर लूँगा। कोचिंग एंड मेंटरिंग भी आप करते हैं कि आपकी टीम मिल गई तो आप उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, हाँ भाई इसको प्लीज ऐसे कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। और फिर एम्पावरिंग टीम को आप पावर भी दे देते हैं, हाँ जी आप प्लीज, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको ये पसंद है ना, आप प्लीज ये करें और इसको इस तरीके से आप कीजिएगा। फिर मैनेजिंग चेंजेस, क्या अब जो उस वक्त जैसे मैनेज हो रहा था इसको चेंज भी वो करते रहते हैं कि ये चीज़ इस लिहाज से बेहतर हो। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इशू, कोई इख्तलाफात आ जाए, इसको भी हल कर लेते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो इस पर काम करते जाए। फिर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग, यानी लीडर अच्छा वही होता है कि जो अगले की भी सुनता हो और फिर अगले की हेल्प भी करता हो, तभी वो सचमुच का लीडर होता है, वरना तो बस वो एक जाली लीडर ही होता है। अब मैनेजमेंट को देखिए, तो मैनेजमेंट में भी मिलती जुलती वही बातें हैं लेकिन थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, यानी मैनेजमेंट का मकसद यही होता है कि बस जनाब जो काम जैसे आ रहा है इसको सही तरीके से चलता हुआ है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्टेटस को कि जो इस वक्त की सूरत हाल है अगर अच्छी आ रही है वही चलती जाए। तो बेहतर करने का कुछ मैनेजर्स को आता है आइडिया, जिनमें लीडरशिप की स्किल्स भी होती हैं तो वो भी कर लेते हैं, कुछ बेहतरी की सूरत में आ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग के जो बिल्कुल ही सादा किस्म के मैनेजर्स होते हैं तो वो नहीं करते,
बस जो हालात है वैसे ही चलता जाए। फिर कंपोनेंट्स, ये मैनेजर में होने चाहिए, वही प्लानिंग बजटिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग की अपनी टीम को तैयार करना, हायर करना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, संभालना, उनके मामलात को चलाना, ये सब सिलसिले आते हैं। फिर कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो जो इशू आता जाए उसको करते जाए और जो काम चल रहा है तो इसको चेक करते जाए, देखते जाए, ये चीज़ यानी इतनी हो जाए तो वो मैनेजर बनते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी सलाहियतें जो लीडर में होनी चाहिए तो वो भी आ जाए, तो फिर आप मैनेजमेंट से अच्छे एक स्टेप और प्रमोट होके मैनेजर भी होते हुए भी आप लीडर भी बन जाते हैं। तो आप कहेंगे कि जी मैं तो बड़ी अच्छे अच्छे ख्वाब आपको दिखा रहा हूँ, असल में आपने ये ख्वाब को हकीकत में आपने लाना है। मैं तो वो एक स्किल्स वर्स कर रहा हूँ और आपने अपना एनालिसिस करना है, और जो पहले अर्ज किया था कि जो जो कमजोरियां हैं इस वक्त इसको आपने ठीक करना है, तो फिर इंशाल्लाह आप मैनेजमेंट और फिर उसके बाद लीडरशिप तक इंशाल्लाह आप आ जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, अगली बात वो है फॉर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, ये अब सवाल है। पहला काम आप करते हैं प्लानिंग, डिटरमिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड अ मींस फॉर अचीविंग देम, कि भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, घर है आपका, आपकी अपनी फर्म है, कंपनी है, या आपका कोई वैसे ही अपने दोस्तों की टीम बनाई हुई है, तो वो जो मकसद है जिसके लिए आपने ये सब कुछ बनाया था, तो उसके लिए फिर बकायदा आप उसके लिए प्लान बनाते हैं, आज ही इसको ऐसे करेंगे। आउटकम, कि उसका फिर रिजल्ट भी आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली हैव लार्जर प्रॉफिट्स बेनिफिट एंड फास्टर ग्रोथ, कि मकसद तो यही होता है ना कि आपको, चलो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी आए, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे सिर्फ लोगों की सर्विसेज ही कर रहे हैं तो सर्विसेज भी ऐसी हों कि लोग खुश हों उसमें, बेनिफिट यही होता है ना फिर आपका, और फिर फास्टर ग्रोथ, क्या आप ये भी कोशिश करते हैं कि जनाब ये चीजें मेरी बेहतर आती चली जाए। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी टीम को, अपनी टीम को हायर करते हैं, अगर आप एक जस्ट एक अपना दोस्तों का ग्रुप आपने बनाया हुआ तो इसमें भी आप दोस्तों को ऐड करते होते हैं, और मकसद ये होता है कि काम अच्छे तरीके से आए। फिर लीडिंग आप करते हैं, यानी आप मैनेजर बन गए तो फिर आपको लीडिंग भी होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को समझा भी सके, एक्सप्लेन भी करें, उनकी एक मेंटरिंग भी करें, उनकी ट्रेनिंग भी करें, और तब जाके आप आहिस्ता आहिस्ता मैनेजर से बढ़ के आप लीडर बन जाते हैं। इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग वर्कर्स टू वर्क हार्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई हुई है, जो भी आपकी फर्म कंपनी या घर या जो भी आपका कोई कॉलेज है, जो भी है, तो इसमें जो जो मकसद है वो पूरा होता जाए। और फिर मैनेजमेंट की स्किल्स के अंदर आपको कंट्रोलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, कि आप मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, कि क्या काम किया, ये हो रहा है, कितना हुआ, क्या हुआ, टूवर्ड गोल अचीवमेंट्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि अगर कोई गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, इसको भी आप ठीक करते चले जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये मैनेजमेंट के वो स्किल्स हैं कि जिसमें बहुत सी लीडर्स में भी होती हैं। तो असल में होता यही है कि मैनेजर एक अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप करता जाए तो वो फिर लीडर बन जाता है। उसके लिए आपने एग्जांपल्स देखी होंगी ना कि कई ऐसे साहब जो एम्प्लॉय थे एक कंपनी के, और ऐसा ऐसा होते वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन गए, सीईओ भी बन गए। तो होता है ना कि ये उम्र के साथ साथ ऐसा भी आता है, तो एक तरह के कह लीजिए तो फिर एट द एंड ऑफ दैट वो लीडर भी बन जाते हैं, डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं। तो ये आपके लिए भी इंशाल्लाह हो सकता है। आपने, मेरा अर्ज तो सिर्फ ये कि आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करना है ताकि ये सारी आप पे बेहतर आता जाए। अब आइए
कुछ एग्जांपल्स आपकी खिदमत में हिस्ट्री के लिहाज से अर्ज कर देता हूँ, मैनेजमेंट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस थ्रू आउट हिस्ट्री। जितनी हिस्ट्री इंसानों को पता है उसमें सबसे पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की एक एग्जांपल में अर्ज कर देता हूँ। अगरचे वो नबी और रसूल थे लेकिन उनके वो फिर अपने अपने सहाबा कराम को मैनेज भी करते थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम वो बनी इसराइल के रसूल और सबसे बिल्कुल टॉप लेवल के थे और हुआ यह कि उन्होंने पूरी अपनी कौम को आज़ाद भी करवाया अल्लाह ताला की मदद के जरिए। और हुआ यह कि जो उस जमाने के सबसे बड़े सुपर पावर फिरौन था, फिरौन और उसकी पूरी पार्टी और उनकी पूरी मिलिट्री को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी मुश्किलात का पीरियड आया। हारून अलैहिस्सलाम उनके भाई और उनके असिस्टेंट अब कह लें वो थे। और फिर अब मूसा अलैहिस्सलाम के दो शागिर्द थे यूशुआ और कालिब, इनको अलैहिस्सलाम भी आप कह सकते हैं या उनको आप रदियल्लाहु अन्हुम कह लें। यानी इसमें कुछ कन्फर्म ज़ाहिर है कुरान मजीद में तो नहीं है, बाइबल में बहरहाल उनको नबी के लेवल पे कहते हैं तो होंगे। तो बहरहाल खुलफाए राशिदीन थे और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था पूरी बनी इसराइल को और फिर पूरा फलस्तीन इन्होंने पूरी फतह कर दी थी। यानी यूशुआ और कालिब की जो हैसियत वो बन गई थी बनी इसराइल में, बिल्कुल जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा की बन गई थी, कि वो लीडर्स भी थे और मैनेजर्स भी थे, वो इनके थे। अच्छा, फिर बनी इसराइल में उस जमाने में फिर दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम इनको अल्लाह ताला ने उनके लीडर्स भी बनाया लेकिन मैनेज भी वही करते होते थे। 1000 to 930 BC का जमाना था और वो फिर पूरी अपनी बनी इसराइल को मैनेज करते होते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो टाइम था वो बहुत आला दर्जे के उरूज का पीरियड था बनी इसराइल की हिस्ट्री में। उसके बाद फिर जब डिजास्टर आए तो उज़ैर अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी थे और ये उस वक्त ये पूरे बनी इसराइल गुलाम बन चुके थे इराक के, तो 480 BC के ज़माने के थे उज़ैर अलैहिस्सलाम। इन्होंने एक बहुत शानदार तरीके से लीडरशिप भी की और मैनेजमेंट भी की कि अपनी पूरे बनी इसराइल की ट्रेनिंग भी की और वो लोग तौरात को भूल चुके थे लेकिन उनको दोबारा इन्होंने सिखाया कि अल्लाह के नबी थे वो, तो इस तरह से वो सिलसिला हुआ। अच्छा, उस जमाने के अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा आम एग्जांपल्स में देखिए तो वो जैसे मिसाल के तौर पर आप ये सुमेरियंस के बहुत जिसको कंट्रोलिंग ये 5000 BC के ज़माने के थे, जो रिटन रिकॉर्ड कीपिंग जिसका, यानी उन्होंने एक बड़ा काम ये किया कि किताबें बहुत से लिखी, कवानीन भी लिखे और ये मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा के परदादा के परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस जमाने में इन्हीं के साथ इराक में उन्होंने किया था मामला। इसके बाद फिर 4000 to 2000 BC में इजिप्शियंस इसके फराइन यानी बहुत सारे फराइन बनते रहे और फिरौन क्या था, ये सिर्फ बादशाह का एक टाइटल था। तो उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग ऑर्गेनाइज किया, कंट्रोल किया हुआ था और करते करते आप उसके लिए अभी भी आपको सैंपल मिल सकता है, आप देख लीजिए कि ये जो अहराम उन्होंने बनाए हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और असल में उसका मकसद क्या होता था, उनका ख्याल ये था कि जनाब हम मरेंगे तो यहाँ पे रहेंगे और उसके अंदर फिर उनके लिए पूरा सोना और बहुत कुछ वो आ जाता था, उनका ख्याल यही था। लेकिन अल्लाह ताला ने तो मार दिया था ना इन्हें, अब वो मरते थे। अच्छा, हुआ यह कि उसके बाद हिस्ट्री में फिर जब कभी भी ऐसे कोई डिजास्टर के हालात आए तो कोई उस वक्त डाकुओं को पता चला वो कहीं ना कहीं उनके ये अहराम के अंदर घुस के और वो सोना निकाल निकाल के चले गए। और ये अब हमारे ज़माने में ही, यानी अब से कोई 100-150 साल पहले ही, जब एक आपकी ब्रिटिश हजरात की हकूमत इजिप्ट में बन गई थी तो तब उन्होंने इसको पूरा किया। तो फिर अंदर जाके फिरौनों की बहुत सारी लाशें मिली उनको। अच्छा, सोना वगैरह तो सब
गायब हो चुका था, लेकिन चलो उनकी लाशों को लेके आए। और फिरौन को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा आज तक ये हो रहा है कि इजिप्शियंस को अपनी टूरिज्म के पैसे मिल रहे हैं उनको, ये एक फायदा। तो चलो एक बड़ा इन्होंने ऑर्गेनाइज काम किया था उस जमाने में। फिर आप देखिए, अच्छा इसी फराइन में से एक फिरौन था कि जिसका मूसा अलैहिस्सलाम से मामला चला था और अल्लाह ताला ने उसे हलाक किया था। और कुरान मजीद में ये भी बताया कि अभी तुम्हारी लाश को भी मैं संभाल के रखूंगा ताकि अगली नस्लों तक इबरत आती रहे। और वो आज भी आप चले जाइए आप काहिरा के जो म्यूजियम है, तो उसमें आपको बहुत सारे फराइन की लाशें हैं, और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम वाला जो फिरौन था तो उसकी लाश भी वहाँ अवेलेबल है। इसकी पिक्चर्स तो मैं कर चुका हूँ आपको कुरान की स्टडीज के अंदर, तो आप देख सकते हैं, वरना आप खुद गूगल में ही सर्च कर लें, आपको शक्लें मिल जाएंगी। फिर और आपको एक कंट्रोल के लिए एक हमुराबी, एक बादशाह ने कवानीन वो अवेलेबल है। और ये हमुराबी ये उसी जमाने कई थे कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिनका मामला चला था। तो हमें असल में बस यही होता है कि उन्होंने उस जमाने के जो कवानीन पूरे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए थे आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैनेजमेंट उस जमाने में भी होती रही है। जो अब तक आप कह लीजिए कि 5000 BC का मतलब है आज से 7000 साल पुराने जमाने में भी ये होता था सिलसिला। अब हम आगे चलते हैं, आगे आइए तो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम मिल जाएगा, ये बिल्कुल जहाँ से आपका कैलेंडर शुरू होता है। और रवायात में आता है कि वो 5 BC में पैदा हुए थे और 30 CE में यानी 35 साल की एज में ही अल्लाह ताला के हुजूर चले गए थे। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने एक लीडिंग भी की और फिर अपनी उम्मत को उन्होंने उसको मैनेज भी बहुत अच्छा किया। इसकी तफसील आपको हदीस में मिलती है, खुद कुरान मजीद में बहुत तफसीलात मिलती हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से अल्लाह ताला के हुजूर जब चले गए तो फिर उन्हीं के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ख़ास तौर पर जो 6 सहाबा हैं इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम। और इसके लिए और ख़ास तौर पर के उस्मान, अली और हसन रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक पूरा क्राइसिस का पीरियड को इन्होंने बहुत शानदार मैनेज किया था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी क्राइसिस थे, उन्होंने मैनेज किया। और फिर फतवात में उमर और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और इन्होंने किस तरीके से पूरी उस ज़माने की दो सुपर पावर्स जो उस ज़माने की थी कि एक रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दोनों को फतह करके फिर मैनेज बहुत अच्छा इन्होंने किया था। फिर और शख्सियतों में आप देखिए तो जैसे ये कैटो जिन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शंस उन्होंने इजाद की थी, यानी होंगी उससे पहले लेकिन उनका हमें एविडेंस सामने आया। फिर आप देखिए 900 के अल फराबी, इनकी लीडरशिप ट्रेट्स उन्होंने एक पूरी बुक इसमें लिखी हुई है कि लीडरशिप में क्या क्या होना चाहिए। और फिर 1100 के बड़े स्कॉलर गजाली साहब जो है, जो मैनेजेरियल ट्रेट्स के क्या क्या मैनेजर में क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स इसमें लिखी हुई हैं। और आप हिस्ट्री के लेक्चर्स अब सुन चुके हैं तो मैंने वो अर्ज़ किया था कि गजाली साहब उस जमाने के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे और इतने बड़े कि उनकी बुक्स आज भी यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। उसको अपनी अपनी ज़ुबानों में, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और वो पढ़ा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये देखिए कि उस जमाने की भी स्किल्स थी। फिर उसके बाद बर्बारिगो, ये यूरोपियन थे 1418 के ज़माने के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर उन्होंने तफसील से बताया। फिर वेनेशियंस, इन्होंने कंट्रोल्स का एक पूरा मेथडोलॉजी उन्होंने
पूरी वो की। फिर इस तरह सर थॉमस, ये गालिबन ब्रिटिश थे, इन्होंने क्रिटिक ऑफ पुअर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये वाकई पढ़ने की उनकी किताब है कि बुरे मैनेजर कैसे होते और लीडर कैसे बुरे होते। उन्होंने बड़ी अच्छी बुक 1500 के जमाने में लिखी उन्होंने। तो फिर इस तरह मार्कियावेली ये बड़े नेगेटिव शख्सियत के हिसाब थे, तो ये ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग की उन्होंने तफसील से वो की है। कोहेसिवनेस, पावर कैसे हो और लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होने चाहिए, लेकिन उसमें बड़े अनएथिकल उन्होंने तरीके वहां पे बताए हैं। तो बहरहाल उनकी बुक भी आप पढ़ लीजिए, तो इससे आपको आइडियाज हो जाएंगे। अब आइए हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। आमतौर पर देखिए आपको नजर आता होगा किसी कंपनी की एक एग्जांपल आप देख लें, असल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टॉप पे तो ओनर हुए ना, जो मालिक होते हैं, उनके में से कुछ लोगों को वो सेलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं, वही असल में विजन वो दे रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। लेकिन अब उन्हीं अकेले से ये काम नहीं होता, उनको हर हर एरिया के लिए, मार्केटिंग के लिए एक मैनेजर हायर करना पड़ता है, ऑपरेशंस के लिए अलग होते हैं, फाइनेंस मैनेजर अलग होते हैं जिसको CFO आजकल कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर सर्विसेज में आपके HR के होते हैं, इसी तरह IT आजकल के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी के लिए चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी कह लीजिए आप इसे, तो इस तरह से, या जनरल मैनेजर कह लें, इस तरह के होते हैं। और फिर इसके साथ साथ ओनर्स के लिए एक हेल्प करने के लिए एक ऑडिट कमेटी भी होती है, जो इसको कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कंट्रोल सही तरह से चल रहा है मामला, तो वो फिर अपने हायर करते हैं इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी वो हायर करते हैं उनकी फर्म्स को, आइए आप ये ज़रा रिस्क करके बताएं, रिस्क मैनेजमेंट हमारी कंपनी के अंदर देखिए, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, ले लेके वो फिर ओनर्स को बताते होते हैं। तो देखिए आमतौर पे ये है ना, ये तो एक बड़ी एग्जांपल है, इसको आप, हो सकता है आपका एक छोटा बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, तो जस्ट आपका अपना घर ही हो, तो इसमें कौन कौन किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है और इसका हेड कौन, हेड हो सकता है आप हो या आपके वाले साहब हो, तो वो उसमें कौन किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप जरा एक नजर देख लीजिए। यानी इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये आइडिया आ जाए तो आपको हो जाएगा कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हूं, बस ये मकसद। अब मैनेजर्स के अंदर क्या काइंड्स ऑफ मैनेजर्स, किस टाइप के मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट ये डायरेक्टर्स होते हैं अमूमन, और इवन जो आपका CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी अमूमन उन्हीं के साथ ही आ जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि यार ये करना है इसको ऐसे ऐसे, यहां से ये करना और ये मकसद हमारा, रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर क्रिएटिंग, के क्रिएटिव आइडिया इनमें होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस, कि चेंज अगर करनी है तो वो उनको आइडिया होना चाहिए, हाँ जी ऐसे इस तरह से होना चाहिए। फिर एम्प्लॉय हायर, ये अमूमन हायर ये अपने मिडल मैनेजर्स को हायर करते हैं, फिर मिडल मैनेजर अपने अंडर उनकी टीम को वो हायर करते होते हैं। फिर पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वाया लैंग्वेज एंड एक्शन, कि किस किस तरीके से इस मामले में क्या कल्चर हो, क्या एथिक्स हो, किस चीज़ों का ख्याल हो, क्या चीज़ ना की जाए, तो ये पूरे टॉप मैनेजमेंट जो इनके डायरेक्टर्स हैं, CEO हैं, वो उनको आइडिया आता है। फिर मिडल मैनेजर्स वो आते हैं कि जैसे आपका फाइनेंस मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो या HR मैनेजर हैं या IT मैनेजर हैं, तो वो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कंसिस्टेंट विद द टॉप मैनेजमेंट गोल्स, कि जब आप अपना वो प्लान बनाते हैं, देखते हैं जी ये लोग ये चाह रहे हैं ये ऐसे हो, तो वो उस तरह का बनाते हैं। फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सब यूनिट स्ट्रेटजीज, फिर वो बनाते हैं कि जाहिर है कि एक डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है ना कि आप उसके हेड हैं लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसकी अलग अलग, उसकी पूरी अलग अलग आप सब यूनिट बना लेते हैं। उसकी एक एग्जाम्पल आप देख लें मार्केटिंग में, जैसे सेल्स है, तो सेल्स के अंदर
एक तो सेल, एक टीम आ गई, एक एडवर्टाइजिंग या एक आपकी मार्केटिंग टीम आप बना लें। फाइनेंस के लिए सोचिए तो अकाउंटिंग कंट्रोलिंग के लिए अलग हो, ट्रेजरी के अलग हो, तो इस तरह के आप अलग अलग उनकी बना लेते हैं सब यूनिट्स। सर्विसेज के अंदर एचआर को अलग बना लेते हैं, आईटी का अलग बना लिया, प्रोक्योरमेंट यानी परचेजिंग इनके लिए अलग बन गया, ऑपरेशंस के लिए अलग बन जाते हैं, फैक्ट्रीज के लिए, वेयर हाउस के लिए एक अलग टीम बन जाती है। तो इस तरह चलता है ना काम। फिर इसके बाद आप मॉनिटरिंग यानी जो आप मिडल मैनेजर हैं वो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं क्या मामला आता है, क्या सूरत हाल है, सही चल रहा है नहीं चल रहा। फिर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज के भी अब जो स्ट्रेटजी बनी कि यार मैं काम को ऐसे इस तरीके से यूं करूंगा तो फिर वाकई हो भी रहा, वो इसको देखते रहते हैं और टॉप मैनेजमेंट को बताते रहते हैं, हाँ सर ये यहाँ से ये हो गया, ये रह गया, इसमें ये मसला आया, इसको ये ऐसे ऐसे अमल कर रहे हैं, तो इस तरह से बताते जाते हैं। और जैसे मैंने वो बताया कि आपके जो ऑडिटर्स हैं वो इनकी मिडल मैनेजर्स को वो देख रहे होते हैं और वो उसके लिए जो भी उनके ओनर्स हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन भी पहुँचा देते हैं। तो ये मिडल मैनेजर्स अमूमन ये करते हैं, प्लांट मैनेजर्स हैं जैसे एग्जांपल है, फाइनेंस मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, एग्जांपल है कंपनी की। वरना आपके हो सकता है आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो चले आपके प्रिंसिपल साहब हो गए और आपके फिर अलग अलग टाइम के या अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोई रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो वो इस तरह से चलता है सिलसिला। तो आप अपने अपने हिसाब से सोचते चले जाइए, तो आप अपना सोच लें आप कहाँ हैं। अच्छा, इसके बाद आगे किस्म के जो मैनेजर्स होते हैं उससे नीचे एक स्टेप आए तो फर्स्ट लाइन मैनेजर के जो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं काम, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एंट्री लेवल एम्प्लॉयज के, बिल्कुल जो एक छोटे छोटे जो अकाउंटेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके अंदर एक अकाउंट्स मैनेजर होता है ना जो देख रहे होते हैं, हाँ जी ये जो एंट्री कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या इसी तरह मार्केटिंग के एग्जांपल में देखिए तो इसके अंदर आपके सेल्समैन हैं, सेल्स पर्सन हैं जो मुख्तलिफ सेल कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो उनका सेल्स मैनेजर देख रहे होते हैं, हाँ जी इन साहब को इन्होंने टारगेट पूरा किया नहीं किया, वो इस तरह से चेक करते रहते हैं देखते हैं। और फिर ट्रेन टीच एनकरेज मोनिटर एंड रिवार्ड्स के, वही ये आप कह लीजिए कि एक बिल्कुल छोटे मैनेजर जो हैं वो देखते होते हैं कि हाँ जी इनकी ट्रेनिंग इनको ये पता नहीं इनको बता दिया, और फिर चेक भी करते रहते हैं देखते हैं। और अगर कोई रिवॉर्ड है तो रिवॉर्ड वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चलो वो आगे लिख के वो अपने फिर जो हेड होगा जो भी सीनियर मैनेजर होगा उसको जाके बताएंगे, हाँ जनाब इन्होंने ये काम बड़ा अच्छा किया है तो इस पर कुछ अवार्ड इनका रिवॉर्ड होना चाहिए, तो वो हो सकता है फिर एचआर में जाके कर दें और वहाँ से कुछ मिल जाए उनको, कुछ बोनस या कुछ ना कुछ जो भी बेनिफिट मिलना है उनको। फिर शेड्यूलिंग कि ये काम कल ये करना है परसों ये करना है, इस किस्म का काम करते हैं। उसके बाद फिर ऑफिस मैनेजर्स की एग्जांपल है, शिफ्ट सुपरवाइजर हैं जैसे एक फैक्ट्री में होते हैं, या एक डिपार्टमेंट के मैनेजर यानी डिपार्टमेंट से आप एक और छोटा स्टेप कर लें, यानी जैसे फाइनेंस के अंदर ही आप देखें तो एक अकाउंट मैनेजर है, एक ट्रेजरी मैनेजर है, तो इस तरह के लोग होते हैं। फिर टीम लीडर्स, ये अब और निचले स्टेप पे आप आ जाए तो आप जो प्रैक्टिकली काम करें जैसे सेल्स टीम है तो सेल्स टीम के कोई एक इसमें टीम लीडर भी होता है, मिसाल के तौर पर वो होगा कि भी जनाब इस शहर के सारी सेल मैंने चेक करनी है मैं करवानी है, और वो अपने अपने कहते हैं यहाँ भी तुम फलां इस एरिया में चले जाओ, फलां मोहल्ले में जाओ, तुम यहाँ पे सेल करो और तुम भी इसमें चले जाओ करो, और वो प्रैक्टिकली खुद भी यही कर रहे होते हैं। तो ये देखिए कि इस तरह के ये पूरी हायरार्की ऑर्गेनाइजेशंस की ऐसी बन जाती है। अब आप अपना भी सोच लीजिए आपके यहाँ क्या पोजीशन आती है। अब आइए मैनेजमेंट स्किल्स में जो होनी चाहिए, अब असल टॉपिक शुरू हुआ। अब कहेंगे जी इतनी लंबी अब तक क्या डिस्कशन चली, अभी तक तो मैनेजमेंट हम समझ रहे थे क्या है, अब है कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक मैनेजर्स में। आप अपने आप को चेक करें कि आप किस पोजीशन में हैं और आप में कौन सी सलाहियतें हैं और कौन सी नहीं है। पहले टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, यानी जो काम भी आप कर
करना चाह रहे हैं या उसके लीडर आप बनना चाह रहे हैं, मैनेजर बनना चाह रहे हैं, तो फिर आप में वो स्किल्स हो। मिसाल के तौर पर आप अगर सेल कर रहे हैं तो सेल्स करना आपको आता है। अगर मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो क्या मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट आपको आती है, इसे कर सकते हैं आप। या कोई टेक्निकल अगर काम है कि मिसाल के तौर पर फैक्ट्री चलानी है तो भी फैक्ट्री की मशीनें आपको आती हैं, इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मसला है तो क्या हल करते हैं, ये आपको आता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये आपको पहले अपने आप को चेक करना चाहिए। इसके बाद असेंशियल फॉर टीम लीडर्स एंड लो लेवल मैनेजर्स, यानी एक टॉप जो भी डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनको भी और उनके जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनको भी ये आना चाहिए, तभी चलेगा ना काम। फिर ह्यूमन स्किल्स भी होनी जरूरी चाहिए, यानी एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स, यानी आपका लोगों से ताल्लुक भी अच्छा हो अपनी टीम के साथ कि आप उनसे काम भी करवा सकें। एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हर मैनेजर चाहे किसी भी लेवल पे हो उसको आना चाहिए कि अपनी अपनी टीम से ऐसे काम करवाना है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, यानी क्या क्या आइडियाज इसमें आते हैं, बिग पिक्चर्स उनको पता होनी चाहिए कि जनाब ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है, करना ये चाहते हैं और ऐसा हो रहा है, डायरेक्शन क्या है। तो सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, पूरे ओवरऑल भी देखें। मिसाल के तौर पर अब वो आप फाइनेंस के हेड हैं, CFO हैं, तो आप अगर गलत पेमेंट आप कर बैठे तो फिर तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान हो जाएगा ना, यानी वो उसमें भी होगा और हो सकता है कि जो चीज आई तो वो भी गलत आ गई तो फिर आपकी सेल भी खराब होगी ना। तो ये सब चीजें भी आप देख सकते हो। अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंट पार्ट्स अफेक्ट ईच अदर्स, कि अगलों दूसरे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर से भी, वहां की टीम से भी आपका ताल्लुक हो, आप उनसे मिलजुल के आप कर रहे हो और देख रहे हो हाँ जी आप ये करें नहीं भाई ऐसे ना प्लीज ये इसको ऐसे कर लीजिए, तो इस तरह की होनी चाहिए। और फिर रिकॉग्नाइज हाउ द कंपनी फिट्स इनटू और इट इज इफेक्टेड बाय इट्स एनवायरनमेंट, कि भी वो सही तरीके से आ रहा है, ये मामला सही तरीके से आ रहा है, यानी उसमें हो सकता है। इसमें एक अच्छी कंपनीज में मैंने देखा कि इनके इवन एक जूनियर एम्प्लॉय को भी एक आइडिया आ गया तो वो उनको भी ये दिया जाती है उनको इजाजत के भी वो CEO या डायरेक्टर के पास भी चले जाएं और इनको एक सजेशन दे दें। और ये अच्छी कंपनीज में ऐसे होता है, लेकिन जो अभी तक जो एक डिक्टेटर टाइप वाली लोगों की कंपनी है तो वहां नहीं होता है। असेंशियल फॉर टॉप मैनेजमेंट, यानी ये सब चीजें होनी चाहिए और फिर मोटिवेशन भी आप कर सकते हो अपनी टीम, ये सारी हो तो तब आप अच्छे मैनेजर बनेंगे। अब आपका तजिया क्या है, आपने ये तजिया ये करना है कि हाँ जी मेरे में वाकई ये हैं सलाहियतें और ये नहीं है, तो जो नहीं है उनको ठीक कर लें। आपकी एक लिस्ट आप तैयार कर लें, ये आपको याद होगा कि आपकी जब ये पर्सनैलिटी की एक पूरी एक चेकलिस्ट आपने बनाई थी अपनी, तो वैसे ही उसमें आप ये भी ऐड कर लें हाँ भी ये सलाहियत मेरे यहाँ नहीं है, इसको मैं ठीक ऐसे करूंगा, इसके लिए कोई ट्रेनिंग कर लें, कोई आप बुक पढ़ लें, जिस तरह भी आपको आता हो, लेक्चर्स आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाते हैं, वहां से आप पढ़ लें सीख लें ताकि ये सारी सलाहियतें आती जाए। तो आप देखिए कि ये एक ओवरऑल व्यू है कि ये हर टाइप के जो सलाहियतें हैं वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। टीम मैनेजमेंट, टीम लीडर्स जो हैं, जो टीम को चला रहे हैं, तो उनकी सारी सलाहियतें अच्छे अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। मिडिल मैनेजमेंट को दरमियाने लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन स्किल्स तो ऐसी हैं कि जो सारों में ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के जो एक्चुअली काम करवा रहे होते हैं उनकी भी कौन कौन सी सलाहियतें कम से कम कितनी अच्छी होनी चाहिए, और टॉप मैनेजमेंट के लिए कौन सी सलाहियतें, ये टॉप मैनेजमेंट वो होते हैं कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्टर्स को भी सारी सलाहियतें। हाँ, टेक्निकल स्किल्स जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी हो, क्योंकि चलो उनकी टीम भी वो मशीनरी और ये सारे काम तो करवा ही लेंगे,
लेकिन चलो वो भी आ जाए तो बहुत अच्छा। तो ये सारी सलाहियतें होनी चाहिए। आइए जब हम अब अपने लेक्चर के एंड पे वो असल चीज है कि जो आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, मिस्टेक्स मैनेजर्स, कि क्या क्या गलतियां जो मैनेजर्स करते हैं। अब आपने अपने आप को चेकलिस्ट के अंदर ये नोट करना है कि जनाब इस गलतियां मैं भी करता रहा। ये वही सवाल मैंने अर्ज किया था आपसे, आज तक जो गलतियां हुई हैं तो इसका क्या असर आया, उसकी एक लिस्ट आप बना लें। आप अगर बना चुके हैं तो जरा प्लीज इसके साथ देखें कि इनमें से कोई गलती हुई है आपसे, हुई है तो आइंदा ना करें, बस यही मकसद है और क्या। जाहिर है इंसान में गलतियां तो होती हैं। इनसेंसिटिव टू अदर्स, एब्रेसिव, इंटिमिडेटिंग और बुलिंग स्टाइल, कुछ ऐसे मैनेजर भी आपने शायद जिंदगी में देखे हो कि जो एक सख्त मिजाज के होते हैं और एक डराने के स्टाइल में अगले को ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा और हर एक को बेइज्जत भी कर रहे होते हैं, बुलिंग स्टाइल ये हुई ना। तो इस तरह के होते हैं मैनेजर, वक्ती तौर पर उनका काम हो जाता है, जो वो करवाना चाह रहे होते हैं अपनी टीम को वो तो हो जाता है, लेकिन फिर टीम की मोटिवेशन बुरी तरह तबाह हो जाती है और वो फिर उस वक्त यही कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द दूसरी जॉब मिले तो हम निकल जाए, और निकल भी जाते। तो ये एक सबसे, अब बताइए आप में है यही, आप भी ऐसे ही करते हैं? करते हैं तो भाई आप अल्लाह ताला से अभी इस वक्त तौबा कर लें और आइंदा ना कीजिएगा, बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। कोल्ड, अलूफ यानी दूर रहने वाले स्टाइल, कि कभी मिलते ही नहीं है किसी को, और एरोजेंट मुतकब्बिर किस्म का स्टाइल, ये आपने देखे होंगे कुछ सेठ टाइप की कंपनियों के कई डायरेक्टर्स, वो मिलते ही नहीं है जना, कोई उनके जूनियर उनके ऑफिस तक ही नहीं आ सकते, और जो आने भी चाहे तो बहुत मुश्किल किस्म का मामला होता है। तो भी ऐसे वो फिर सचमुच के लीडर्स नहीं होते, वो एक बिल्कुल नाकाम मैनेजर टाइप के होते हैं। कि होता क्या है कि उनकी पूरी टीम की मोटिवेशन बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी होती है। बैटरी ट्रस्ट यानी एतमाद को धोखा देने वाला अगर ऐसा कोई मैनेजर है, मिसाल के तौर पर कहा हाँ भाई तुम अगर ये करोगे ये अचीव करोगे ये मामलात को तुम्हारी प्रमोशन मैं करवा दूंगा या मैं तुम्हें इसका बोनस मिल जाएगा, और फिर कर भी ना, करे भी ना, तो फिर तो धोखा ही हुआ। अगले ने तो बड़ी मेहनत की, सब कुछ कर दिया, हुआ कुछ भी, तो फिर आपकी टीम की मोटिवेशन भी खराब होती है। और आप एक बड़े अच्छे अच्छे लोगों को आप अगर हायर कर चुके हो और वो हो रहे हो तो तब वो भी फिर निकलने की कोशिश कर रहे हो। चलो अगर फौरी वक्ती तौर पर नहीं मिल रही उनको जॉब तो चलो कुछ महीनों तक तो वो कर ही लेंगे बर्दाश्त, कि चलो ठीक है यार सैलरी तो आ रही है ना, ये तो आए, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द निकलूंगा। ओवरलाय एम्बिशियस यानी इतना ज्यादा जज्बा और इतना एक्सपेक्टेशन ज्यादा होनी, थिंकिंग ऑफ नेक्स्ट जॉब के, यानी मैनेजर को भी अगर यही है कि मैं अब नई जॉब ही ढूंढूं, कोई कहीं और चला जाऊं, प्लेइंग पॉलिटिक्स, तो फिर इस किस्म के मैनेजर्स भी एक पूरी सियासत कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कर रहे होते हैं। तो आपका भी एक्सपीरियंस, अगर आप तब तक जॉब की हुई है तो आपको ऐसी एग्जाम्पल्स मिल चुकी होंगी। अब तक हो सकता है कुछ साहब आपके जहन में आ जाए, जहन में फौरन उनकी शक्ल आपको क्लिक करके आपके जहन में आ जाए, यार इस तरह का काम तो वो करते थे। तो भाई वो जो करते रहे वो जाने, अल्लाह ताला जाने उनका मामला, लेकिन आप में अगर ये यही इशू है तो इससे इसी वक्त तौबा कर ले और आइंदा ना करें, बस यही मकसद है। फिर अगला देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स विद द बिजनेस, बिजनेस कह लें यानी कोई बिजनेस हो या कोई और आपका ऑब्जेक्टिव, जो काम भी आप कर रहे हैं तो इसके लिए परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आ जाए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
कि भी ये खास इस तरह का ऐसा है, लेकिन फिर भी वो गलतियों का पता भी ना हो अगर मैनेजर को, तो फिर उनकी टीम में भी गलतियां आती जाएंगी। ओवर मैनेजिंग, कि जरूरत से ज्यादा मैनेजर बनना, अनएबल टू डेलीगेट और बिल्ड अ टीम। यानी एक साहब, एक एग्जांपल मुझे याद आ गई एक साहब की, नाम नहीं मैं अर्ज करूंगा उनका, कि वो हर चीज को खुद ही चाहते थे कि बस वही कर रहे हो। तो उनकी टीम थी अच्छी खासी, कोई अराउंड 60-70 के करीब उनकी टीम के थे, लेकिन वो हर आदमी जो भी करता था तो ये उनके जो हेड थे वही ले जा ले जाके उनकी एन सीट पे जा जाके और वो चेक कर रहे होते थे ये कर रहे हैं। तो फिर उनकी पूरी टीम फिर हर वक्त बस उनका मजाक ही दिल में भी उड़ाते थे, और जैसे ही वो चले जाते थे तो फिर पूरा उनका कर रहे थे। बल्कि एक लतीफा भी अर्ज कर दूं, वो हुआ ये कि एक साहब अपने मैनेजर, वही जिनकी बात मैं अर्ज कर रहा था, तो उन्हीं की बकायदा नकल कर रहे थे, बैन उन्हीं के स्टाइल में और जैसे वो कर रहे थे। तो वो कर रहे थे, अब मैं देख रहा था उनकी बात को ना, तो अब वो करते करते हुआ कि अचानक वही मैनेजर ने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। तो जो साहब नकल कर रहे थे तो उनकी हालत ऐसे बनी कि बिल्कुल जैसे अगर आपकी बिजली एकदम बंद हो जाती है तो टीवी कैसे बंद हो जाता है, ऐसे वो साहब भी बंद हो गए थे। तो ये फिर इस तरह का अगर मैनेजर्स का ये एटीट्यूड है तो फिर रिजल्ट ऐसा आता है। अनएबल टू स्टाफ इफेक्टिवली, कि मुअस्सर ना करने की सलाहियत अगर हो, आप अगले से सही तरह से काम करवा ना सके। अगर एक तो वही है कि बिल्कुल आप डिक्टेटर बन के, कोई हिटलर बन के या फिर ऑन बन के अगर वो कर रहे होंगे तो अगले की मोटिवेशन वैसी निकल जाएगी, वक्ती तौर पे करके जान छुड़ा के, और वो आगे फिर जब भी उनको मौका मिला निकलेंगे, ना मिला तो मजबूरन फंसे हुए होंगे और बस कोई अच्छी क्वालिटी का फिर रिजल्ट नहीं आएगा। अनएबल टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, यानी बाज मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि जो एक बिल्कुल एक स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अच्छा तरीका क्या है, कैसे होनी चाहिए, इसमें मजीद आइडियाज नहीं आए तो फिर वो मैनेजर ना हुए, बल्कि आप कह लीजिए कि कोई एक पूरे रिवायती डिक्टेटर ही रह गए फिर। तो फिर वही हैसियत है। अनएबल टू अडॉप्ट टू बॉस विद डिफरेंट स्टाइल्स, यानी आप ये भी देख लें कि आप मैनेजर हैं और आपके बॉस भी हैं, कोई सीईओ हैं, तो देखें कि उनका अडॉप्ट करने के, यानी जैसे वो चाह रहे हैं आप भी वैसे बन जाए, और अगर वैसे बन गए तो आपकी फिर क्रिएटिविटी गिर चुकी होगी। तो उसमें जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर लें, लेकिन मजीद आप अपने आइडियाज को भी वो दें और सजेशंस की शक्ल में ही अपने बॉस तक पहुंचाएं, और बॉस को भी देखें कि वो सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, या गौर भी करते हैं कि नहीं, और अगर नहीं करते तो समझ लें कि वो साहब कोई अच्छे लीडर या मैनेजर नहीं है। और अगर आप दे रहे हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी का आप आइडिया दे रहे हैं और अगला अप्रिशिएट कर रहा है, चाहे अमल ना भी कर रहा हो लेकिन अप्रिशिएट ही कर रहा हो, तो चलो इस हद तक आप कह सकते हैं कि जनाब वाकई उनमें सलाहियत अच्छी है। ओवर डिपेंडेंट और ऑन एडवोकेट और मेंटर, यानी अगर मैनेजर साहब को खुद पता ना हो क्या करना है और फिर वो लोगों से पूछ पूछ रहे हो, यार ये कैसे करना है, ये क्या करें, और यार इसमें क्या करें, उसके लिए हर काम के लिए ही उनको कोई ना कोई किसी उस्ताद की जरूरत हो, तो फिर वो साहब के अच्छे मैनेजर नहीं होंगे। उसके लिए मैंने केस देखा है, कुछ ऐसे एक मैनेजर साहब थे कि उनको उस काम का पता नहीं था, वो अपने स्टूडेंट से और अपने उनके जो टीम के बिल्कुल जूनियर थे उनसे भी पूछते होते थे। अच्छा, अगर कभी पूछ लिया आपको नहीं पता आपने उनसे किया, ये बड़ी अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन रोज यही कर रहे हो और हर काम पे यही कर रहे हो तो फिर इसका मतलब है आपको खुद कुछ नहीं पता। तो ये अगर आप में भी यही मसला है तो इसको ठीक कर लीजिए।
अब हाउ टू डेवलप योर टीम, आप अपनी टीम को डेवलप कैसे कर सकते हैं, ये आपको चाहिए सलाहियत। सिक्योरिटी ऑफ योर टीम टू कंटिन्यू द वर्क, आपकी टीम बन गई, आपके चाहे दोस्त भी हो, चाहे आपने एक बकायदा कंपनी बना दी या फर्म बना दी, आपकी टीम बन गई, तो इनको इतनी सिक्योरिटी दें कि भाई आप कुछ इरशाद फरमाएंगे तो तब भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आप जो भी अचीवमेंट भी करेंगे तो आपको बेनिफिट भी इसका मिल जाएगा। और भाई आपको कोई छोटी जो भी गलती ऐसी छोटी मोटी होगी आपको कोई नहीं निकालेगा, इतना दे दें तो फिर वाकई अगलों की मोटिवेशन टीम की अच्छी होती। गिव दोज वर्क इन विच ही और शी हैज इंटरेस्ट एंड स्किल्स, जिस आदमी को कोई काम दे रहे हैं तो उसी को दें और उसको वही काम दें कि जिसमें उनको इंटरेस्ट है। अगर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर कभी अच्छी क्वालिटी आपको नजर नहीं है। मिसाल के तौर पर एक साहब है, उनको सेल्स की बड़ी अच्छी सलाहियत है, आप उनको पकड़ के उनको अकाउंटेंट बना दें, मजबूरन वो कर लेंगे, खुशी नहीं होगी उनको। या वो अगर अकाउंटेंट या ऑडिटर हैं और इनको आप छोड़ के सेल्स पे डाल देंगे तो वो नहीं अच्छा डिसीजन नहीं हो। सेलेक्टिव हायरिंग द मोस्ट एथिकल पर्सन, जब भी आप अपनी टीम में आप साथियों को लें तो पहले जरूर देख लें कि वो एथिकल कौन कौन से एथिक्स उनमें हैं। ये वही है कि जो हर लेक्चर के एंड में आपके सामने अर्ज करता हूँ, जन्नत जाना है या जहन्नम, तो उसके तरीके तो आप चेक कर लें कि वो जन्नत वाले हैं ना बंदे, जन्नत में जाना चाह रहे हैं ना, तो वही सलाहियत हैं, तो उन्हीं को हायर करें। जो आदमी अनएथिकल हो उसको अपना अपनी टीम में शामिल ना करें। सेल्फ मैनेज टीम, ये भी करें कि टीम को भी कुछ थोड़ी अथॉरिटी इतनी दें कि वो भी करें, उनमें मोटिवेशन हो और उनकी सलाहियतें भी सामने आए। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ये जरूर करें, उनकी ट्रेनिंग करते जाएं, उनकी सलाहियतें डेवलप करते जाएं। रिडक्शन ऑफ स्टेटस डिफरेंसेस, हर आपकी टीम के मेंबर मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ शहरों के, कई अगर हो सकता है कि कई मुख्तलिफ मुल्कों के हों, तो फिर हर एक डिफरेंट स्टाइल होता है ना, तो इसको आप इस पे हर एक पे जुगत ना करें, बल्कि जो उनका स्टाइल है तो इसको एक्सेप्ट करें। फिर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जो नॉलेज आपको है तो वो उनसे भी शेयर करें ताकि वो टीम भी आपकी डेवलप हो। और एथिकली जो मैंने अर्ज किया, वही जो एंड पे अर्ज कर देता हूँ कि जनाब जन्नत में जाना है तो आपकी टीम में भी यही होने चाहिए लोग जो जन्नत में जाना चाहते हैं, और जो जहन्नम में जाना चाह रहे हो या जिनको पता ही नहीं है, इग्नोर ही नहीं है, और उन्हीं के यहाँ तकब्बुर, बेहयाई, मुनाफकत, ये सब कुछ है, तो फिर इन लोगों को ना हायर करें अपनी टीम में। तो जनाब जो भी आपके जहन में सवाल आते हैं, मेरा तकल्लुफ ईमेल कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।